खैराबाद नगर के कमाल सराय बड़ी संगत भूमि मामले में महंत और भाजपा नेता के बीच विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि इसी बीच महंत के चेले की दबंगई से जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 2 माह से अधिक समय से चल रहे इस विवाद में अभी तक स्थानीय प्रशासन स्तर से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे विवाद का पटाक्षेप हो, जबकि प्रकरण पर चंद दिन पहले भाजपा नेता साकेत मिश्र स्थानीय नागरिकों के साथ खैराबाद थाने का घेराव कर चुके हैं। उनके द्वारा संगत की भूमि पर कब्जा जमा रहे महंत बजरंग मुनिदास पर कार्रवाई की मांग भी की जा चुकी है। यही नहीं, स्थानीय नागरिकों के साथ थाने जाकर पैरवी करने वाले भाजपा के खैराबाद नगर अध्यक्ष रविशंकर मिश्र की 7 अक्टूबर को लात घूसों से जमकर पिटाई भी कर दी गई। रवि उर्फ मोहित का आरोप है कि कथित व ढोंगी बाबा बजरंग मुनि दास ने अपने आदमियों के साथ बुधवार को उस समय पिटाई कर दी जब वह घर के बाहर बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। कार्यकर्ता आधारित पार्टी का बखान करने वाली भाजपा में एक पार्टी पदाधिकारी की क्या हैसियत है, देखें और सुने आई इंडिया पर। गत दिनांक 7 तारीख को अपने घर के बाहर, दिन बुधवार को अपने घर के बाहर बैठा था, तभी एक बाबा बजरंग मुनि के चेले पंकज आए और उन्होंने हमको अकेला बैठा हुआ देखकर संगत जाकर बाबा जी को बताया। फिर बाबा जी वहाँ पे अपने लाल लश्कर के साथ कुछ 6-7 बंदूकधारियों के साथ में और 25-30 और आदमियों को लेकर आए। उस समय जिस समय बाबा आए, मैं अपने मंदिर के सामने बैठे चबूतरे पर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था और एक सोची समझी साजिश के तहत दिन बुधवार को जब हमारी पूरी मार्केट बंद थी, कथित बाबा ढोंगी ठग महान बजरंग मुनि आए और हमको दौड़ाया। दौड़ाते समय मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। फिर लात घूसों एवं बंदूक के बटों से मेरी जमकर पिटाई की। इस सब इतने में भीड़ बढ़ने के कारण बाबा जी अपने साथियों को लेकर वहां से फरार हो गए और ये कह गए कि तुम्हारा घर मकान जो कि संगत भूमि में स्थित है उसको उस पर भी कब्जा करके उसको बिल्डोजर से गिरवा देंगे। इसके साथ ही हमारी माता जी को भी अभद्र भाषा, हमारी माता जी से भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। बाबा जी जो कि कई सारे किसानों की जमीनें जैसे कि स्वर्गीय मंगली एवं स्वर्गीय कड़ले जिनके नाम इंतखाब आज भी निकलता है, भूमि संक्रमणी अधिकारों में है, वह सब जमीन बाबा ने बंदूकों के दम पर कब्जा कर रखी है। जब वहाँ के लोग, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का। उधर महंत का यह कहना है, देखिए प्रशासन भी जानता है और आप लोग स्वयं सब जानते हैं कि कोई गुंडा एक्ट का जो आरोपी होता है वो दान पुण्य करके नहीं बनता, अपराध करता है तभी गुंडा एक्ट का आरोपी बनता है। और उस दिन जो मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें प्रशासन के पास पूरा 18 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आप लोग देख लीजिए, सब देख लें तो स्वयं आपको समझ में आ जाएगा किसकी गलती है और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही इस पर नहीं। कि भाजपा एक सांस्कृतिक पार्टी है जिसके नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य हमारे राष्ट्रहित धार्मिक प्रवृत्ति वाले नेता लोग करते हैं। अगर इसके अंदर पार्टी की थोड़ा सा विचारधारा होती तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं होता और एक गुंडा एक्ट का आरोपी नहीं होता। खैराबाद देहात से धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।